अब हम आ रहे हैं जीवन के वृत्ति में, माने आत्मा में जो अनुभव होता है वो अनुभव बुद्धि में आ जाता है, वो अनुभव जो बुद्धि में आया फिर उसके प्रकाश में चित्त में चित्रण होता है, चिंतन और चित्रण दोनों होता है। चित्त में जो चित्रण हुआ रहता है उसके आधार पर फिर वृत्ति में तुलन और विश्लेषण होता है, वही जो चित्तन हुआ है वो फिर वृत्ति में नीचे आएगा। तो चित्त में जो चीजें आई ये आठों चीजें अब वृत्ति में आ जाएगी। नरेंद्र भाई, कभी बाबा से बातचीत हुई कि 122 आचरण जैसे उन्होंने देखे हैं, तो 10 के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत करने का निर्णय कैसे किया? 10 के रूप में किया, 5 लेयर के रूप में देखा, परावर्तन और प्रत्यावर्तन पहले से ही है, अभी भी लिखा ही हुआ है। ये जो 122 आचरण हैं, वो 5 लेयर में है, तो एक एक लेयर को एक एक नाम दिया। मध्यांश का नाम दिया आत्मा, पहले परिवेश का नाम बुद्धि, दूसरे का चित्त, तीसरे का वृत्ति, चौथे का मन नाम दिया। हर एक स्तर पर 2 प्रकार की क्रिया हुई, परावर्तन और प्रत्यावर्तन। तो परावर्तन का नाम दिया कुछ, प्रत्यावर्तन का नाम कुछ दिया, तो ये नाम लिखा हुआ है। प्रत्यावर्तन में अनुभव, बोध, चिंतन, तुलन, आस्वादन, ये क्रिया के रूप में है, उसका नाम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये नाम दिया। वो नाम चूंकि समझ में नहीं आ रहा है इसलिए क्रिया के रूप में बताया। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया, गाय को कैसे बोलेंगे? गाय शब्द बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, अंग्रेज को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो नहीं जानता है। तो उसको कैसे बोलेंगे? 4 पैर होते हैं, सफ़ेद रंग की होती है, लाल रंग की होती है, काली रंग की होती है, भूरी रंग की होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, ये सब वर्णन करता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ कि घास खाती है ना, गोबर होता है, दूध देती है ना, शेर उसको खा जाता है, वो मांस नहीं खाती है, ऐसा करके एक जब बड़ा वर्णन करता हूँ तो गाय स्पष्ट होता है। तो क्या है, क्रिया से चीजें स्पष्ट होती है। जैसे गाय और गाय की मूर्ति, दोनों में क्या अंतर है? गाय की मूर्ति स्टैचू, गाय की स्टैचू को देखेंगे तो गाय जैसा दिखता है, 4 थन दिखेंगे, 2 सिंग दिखेंगे, सफेद काला सब दिखा दो आप, दोनों एक ही हैं। क्या अंतर है? उसमें कुछ क्रियाएं हैं जो अभी गाय में, उस मूर्ति में नहीं है। वो क्रिया क्या है? घास खाती है, मांस नहीं खाती है ना, देखे देखो मांस वो नहीं खाती है, ऐसा कई प्रकार से आप देख लो। इन पूरी क्रियाओं को देखते हैं तो वो स्पष्ट होता है। तो वैसे ही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा परंपरा के बहुत प्रचलित शब्द रहे, वो समझ में नहीं आते रहे, उसको उन्होंने क्रिया के रूप में बताया। मन माने आस्वादन क्रिया, वृत्ति माने तुलन क्रिया, इस ढंग से 5 क्रियाओं के रूप में इधर बताया, 5 क्रियाओं के रूप में उधर बताया। शुरू के जो 5 हैं ये बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं क्योंकि हम कर ही रहे होते हैं, इससे ऊपर में हमको तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हम कर नहीं रहे, तो उसमें तकलीफ भी होती है, पढ़ने में मजा भी आता है क्योंकि कुछ भी आप अर्थ लगाओ सब सही है। तो शुरू में यही होता है कि ऐसा लगता है समझ में आ रहा है जो भी हो रहा है, बाद में जब उसको मैचिंग कराने जाते हैं मैच नहीं होता है, तब लगता है समझ में नहीं आया। अभी हमारी समझने की विधि क्या है? एक को दूसरे से मैच कराने जाते हैं, मैच हो गया तो समझते हैं समझ गया, जब नहीं हो पा रहा है तो समझ में आया नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो मैचिंग कराने की प्रक्रिया ये कहां पर है? वृत्ति और चित्त के बीच में हो रही है, आभास जिसको बोलते हैं, तार्किक जो निष्कर्ष है वो है। तो सीधा कह रहे हैं कि यदि आभास हो गया है तभी फिर आपको प्रतीति होगी। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? बाबा जी ने देखा, वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, सुनने से स्मृति बनती है, उसको आपस में जोड़ते हैं, कई बार जुड़ता है कई बार नहीं जुड़ता है, जब वो जुड़ने लगता है तो उसको हम कहते हैं आभास हो गया, समझ में आ रहा है, उसके बाद ही उसकी प्रतीति होती है। तो अध्ययन प्रक्रिया या शिक्षा प्रक्रिया कहां से है?
शिक्षा प्रक्रिया है, तार्किक प्रक्रिया से शिक्षा प्रक्रिया है। उसके पहले वाली प्रक्रिया क्या है? उसके पहले वाली प्रक्रिया को हम सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। सभ्यता में क्या दिखता है कि छोटा भाई देखता है कि बड़ा भाई बड़ी दीदी स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाना एक अच्छी चीज है, इसको लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, यहां बैठने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। वो समझ जा रहा है, मैंने बताया 1 साल 9 महीने की बच्ची समझ गई, वो भी समझ जाते हैं कि उसके छोटे बड़े भाई बहन जो स्कूल जा रहे हैं, उसका टिफिन बनता है, उसके कपड़े अलग होते हैं, वो सब देखता है, वो उसको नहीं मिलता है। उस इंपॉर्टेंस में मन जाना, ये मन के स्तर पर हो जाता है। तो सभ्यता संस्कृति पहला काम कर लेती है, उसके बाद शिक्षा दूसरा स्तर का काम करती है, जहां तार्किक जो है वो निष्कर्ष आते हैं। उसके बाद तीसरे स्तर का काम है, जहां जीने की कोशिश होती है, वहां पर कुछ चीजें आती है। तीनों चीजें चलता तो साथ साथ ही रहता है, लेकिन किसी जगह पर कोई चीज बहुत प्रमुख है, ऐसा अभी डिजाइन बना हुआ है। तो ये 5 अलग अलग लेयर दिख रहे हैं, उसमें 5 के बजाय 10 क्रियाएं क्यों दिख रही है? 5 परावर्तन 5 प्रत्यावर्तन, ये 10 आ गया, 10 क्रिया। इसी 10 क्रिया को फिर और आगे और भागों में विभाग किया, नीचे वाला तो विभाग हो जाता है, ऊपर वाला होता नहीं है, ऊपर वाले को फिर अनुभव मूलक में ही भरता है वो। तो नीचे वाले पर हम बिना अनुभव के भी व्याख्या कर लेते हैं, ऊपर के जो हैं आत्मा बुद्धि और चित्त वाले, खासकर चित्त के जो प्रत्यावर्तन वाले हैं, वो फिर अनुभव मूलक में ही दिख पाते हैं। तो ये पूरा इसका एक स्ट्रक्चर पूरा। तो भैया ऐसा समझ सकते हैं कि चिंतन चित्रण वाली लेयर में एक आधार बन गया, जो भी व्यवस्था का बोल रहा है उसके आधार पर, और इस आधार पे अभी तर्कपूर्वक उसको नीचे जीने के लिए तैयारी हो रही है। हाँ। ऐसा मतलब हाँ। ये लेवल में भाषा आ गई चिंतन लेवल पे, यहाँ तर्क आ गया और फिर मन के साथ जीना। हाँ, मूल जो मान्यताएं हैं ये बुद्धि के लेवल पे आ गई, क्योंकि देखिए मान्यता के आधार पर तर्क हो रहा है, बिना मान्यता के तर्क नहीं। जैसे भौतिकवाद की मूल मान्यता क्या है? शरीर ही सब कुछ है, इंद्रियों का सुख ही सब कुछ है, और वो सबको मिलना चाहिए, हर एक को उसका हक है। ये 3 को लेकर उन्होंने न्याय को डिफाइन करने की कोशिश किया। तो हर एक को इंद्रिय सुख मिलना चाहिए, यह उनका प्रतिपादन है। हर एक को सामान्य सुविधा मिलनी चाहिए, यह प्रतिपादन, क्योंकि इंद्रिय सुख यह है, इसलिए इंद्रिय सुख से आप किसी को रोक नहीं सकते। इन 3 को लेकर भौतिकवाद बनाया। लेकिन सहअस्तित्ववाद क्या कह रहा है? जीवन नाम की चीज है, उसकी तृप्ति हर एक को चाहिए, उसकी तृप्ति होने से इंद्रिय तृप्ति होती ही है, ये कह रहे हैं। उसकी तृप्ति नहीं होगी तो इंद्रिय तृप्ति कभी भी नहीं होगी, ये भी कह दिए। तो हमने जो यहां पर मान्यताओं को देखा वो भिन्न है, जिसको इन्हीं मान्यताओं को अवधारणा कह रहे हैं। जो मान्यताएं निरंतर हैं, सार्वभौम हैं, सार्वकालिक हैं, जीने में आ सके, समझाने में आ सके, उन मान्यताओं को हम अवधारणा कह रहे हैं। इसी का नाम अवधारणा है। अब इन अवधारणाओं के आधार पर चित्रण हो रहा है, इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर तर्क बन रहे हैं। तो पूरा तर्क इन्हीं अवधारणाओं को कैसे जीना है उसके लिए है। आगे हम देखेंगे इन्हीं अवधारणाओं को कैसे दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित करना है, एक भाग का तर्क है। इसी अवधारणाओं को अपने जीने में कैसे लाना है, यह दूसरे आधार का तर्क, 2 प्रकार का तर्क। कोई इसकी प्राथमिकता कर सकता है कि मैं जीऊंगा समझाऊंगा नहीं, प्राथमिकता कर सकता है, जीने के बाद समझाऊंगा नहीं होता ही नहीं है, एक समय के बाद होगा ही। कोई यहां कर सकता है कि मैं समझाऊंगा जीऊंगा नहीं, ये नहीं शुरू में कर सकता है कि केवल समझाऊंगा जीऊंगा नहीं, एक समय में उसको लगेगा अब ये होता नहीं है, अब समझाना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, नहीं तो समझा ही नहीं सकता, कन्वे नहीं होगा, फिर वो भाषा है केवल, प्रमाण ही नहीं आ रहा है। तो दोनों प्रकार के तर्क हैं, समझाने के लिए और जीने के लिए। जीने के लिए कहीं कैसे जीऊं, इसके लिए विचार होगा,
उसके लिए फिर कोई हमको जगह चुनना पड़ेगा, फिर हमको परिस्थिति चुननी पड़ेगी, वहाँ पर चीज़ें होंगी। जैसे यहाँ जीऊँगा अलग हो जाएगा, दिल्ली में जीऊँगा अलग हो जाएगा, अमेरिका में जीऊँगा अलग हो जाएगा, है ना, हिमालय में पहाड़ों में चले जाओ अलग, सब जगह ये परिस्थिति बदलेगी। तो वहाँ पर हम अपने विवेक से उस जगह का मूल्यांकन करके, लोगों का मूल्यांकन करके, परिस्थिति का हम चीज़ों को करेंगे। जैसे यहाँ है तो हिंदी में बोलेंगे, है ना, लेकिन यदि हम लंदन में चले गए तो अंग्रेजी बोलेंगे, है ना, फ्रांस चले गए तो फ्रेंच में बोलेंगे, बोलना ही पड़ेगा, उसको बदलना ही पड़ेगा। तो ये होगा। देखेंगे तो वैसे ही कि इसके आधार पर विचार बन रहा है। जैसे किसी ने प्रिय को लक्ष्य मान लिया, उसके आधार पर वो विचार करता है कि इस प्रिय को कैसे पाऊं। जैसे कोई मिठाई को प्रिय माना है तो मिठाई कैसे खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं सोचता है प्रिय को। कोई सोचता है कि मसल्स बनाने को सुख, तो वो मसल्स बनाने के लिए कैसे बनाऊं, कब बनाऊं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मसल्स को सोचता है, मुख्य उसका हित हो गया। कोई यदि लाभ को लक्ष्य मानता है तो लाभ के लिए उसका विचार अर्पित हो जाता है, लाभ को कैसे प्राप्त करूं, कितना पल पाएंगे, कहां प्राप्त करेंगे, तो लाभ के लिए वो उसका विचार चलेगा। तो लक्ष्य कहां पर आया, या फिर प्रिय के रूप में, या हित के रूप में, या लाभ के रूप में, या न्याय के रूप में, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में, यह लक्ष्य के आधार पर फिर विचार होगा। तो हर मनुष्य का लक्ष्य क्या है, या फिर वो प्रिय में है, प्रिय प्रधान, या हित प्रधान भी हो सकता है, या लाभ प्रधान भी हो सकता है। मोटा मोटी बोल रहे हैं इन तीनों का एक सेट है, एक है तो बाकी दो लिपटे ही हुए हैं, दिखेगा नहीं, आप उसको विश्लेषण करने जाओगे दिख जाएगा। दूसरा गांव अलग है, न्याय है, धर्म है, सत्य, क्योंकि बिना धर्म के न्याय नहीं आएगा, बिना व्यवस्था के संबंध को नहीं ड्रॉ कर सकते, बिना अस्तित्व के आप सार्वभौम व्यवस्था को नहीं तय कर पाएंगे। तो न्याय, धर्म, सत्य का एक अलग सेट है। तो अब जो विचार बन रहे हैं एक व्यक्ति में, न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर विचार बन रहे हैं। इसी न्याय, धर्म, सत्य को जब अपन फैला रहे हैं इधर, तो वृत्ति के जो 18 हैं, 18 प्रकार के जो तुलन हैं, जो विद्या, प्रज्ञा, इस प्रकार के जो विद्या, कीर्ति, है ना, ये सब जो हैं, स्थिति वाले जो हैं, ये सब आएंगे। हाँ, न्याय, धर्म, सत्य ही स्थिति में, इतने इस जो स्थिति हैं, पेज 40 में पूरे लगातार पढ़ देता हूँ। विद्या की प्रिय के पीछे की भाव भी है ना, क्या बोले, हम क्या बोले, प्रिय के जी रहे या हित के लिए, उसके पीछे भी भाव है, भाव, भाव मूल में तो वही है, वो सम्मान हो सकता है, प्रमाणिकता हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं होते आपने मुझे संकट में बोल दिया, डाल दिया कि मैं ना कैसे बोलूं बोलना तो मुझे ना ही है ये तो पक्का है अभी जो प्रचलित है वो इसको भी भाव बोल रहे हैं, दर्शन की भाषा में वो अभाव है, वो भाव नहीं है, है ना। दर्शन की, यदि मध्यस्थ दर्शन की भाषा में बोलूं तो वो अभाव है, परंपरा में प्रचलित है, ये भाव है, है ना। एक तो ये बात है। तो जैसे इसमें देखेंगे विद्या, कीर्ति, निश्चय, शांति, कृपा, दम, तत्परता, कृतज्ञता, गौरव, विश्वास, सत्य, ये जो चीजें हैं स्थिति में, ये सारी चीजें तुलन है। उसी के बाजू में देखिए तुलन लिखा हुआ है, ये 40 पेज पुराने वाले में है, ये वाली में 40 है, एक साथ सारे 122 आचरण लिखे हुए हैं, ये पूरे 18 को मिलकर तुलन कह रहे हैं।
और इधर जो पूरे 18 हैं उसको मिलके विश्लेषण किया। बहुत सारे ओवरलैपिंग हैं, मतलब है एक चीज शुद्ध एक है, मुझे लगता है कोई भी नहीं है वृत्ति में, है ना। जैसे श्रुति और स्मृति दिखता है कि ज्ञान का भाषाकरण हुआ, वो एकदम एक है। यहाँ पर जितना नीचे आते जाएंगे उतना ज्यादा ओवरलैपिंग मिलेगा, माने एक साथ तीन चार पांच चीज शायद ही कोई वृत्ति में ओवरलैपिंग होगा, मुझे नहीं लग रहा है, है ना। है शायद ही कोई शुद्ध एकदम अकेला मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ ये वांग्मय में नहीं, अपने में जैसे जैसे वो स्पष्ट होगा वैसे वैसे बनेगा। वांग्मय में पढ़ते पढ़ते तर्क बनेंगे पहले, माने भास होगा आभास होगा, उसके बाद प्रतीति उसी चीज की हो जाएगी, ये होगा, है ना। अब इसमें जैसे विद्या को स्थिति में रखे, प्रज्ञा को, हम इसको कैसे बोलते हैं, उस परिभाषा को हम पहचान के बोलने की कोशिश करते हैं। फिर भी बोला ना कि श्री को मैंने बार बार बाबा जी से पूछा था कि ये तो स्थिति में नहीं, ये स्थिति में होना चाहिए, बाबा जी ने बोला गति में होना चाहिए, उस दिन मान लिया, एक साल के बाद फिर पूछा, फिर मान लिया, समझ में आज भी नहीं आया लेकिन मैं मान लिया, है ना। तो बाबा जी ने 122 लिखे हैं, मैं 122 मानता हूँ, 140 बोलते तो मैं 140 बोलता, है ना। बाबा जी ने बोला 122 आचरण है, वो देख के बोल रहे हैं, इसलिए मैं 122 बोल रहा हूँ। यदि 140 लिखे होते मैं 140 बोलता, मेरे को उससे अधिक कभी नहीं दिखा, मोटा मोटी बात यह है। तो कुछ चीज़ों का उत्तर यह है कि मैं शुद्ध मान लेता हूँ और उसको अपने में जांचने की कोशिश करता हूँ, कुछ चीज़ों का भास आभास जैसा चीज हुआ है, ये मेरी स्थिति। तो कई चीज़ों को मैंने भी एज इट इज मान लिया है ना, कई बार मान नहीं पाया, कई चीज़ों को उस समय तो चुपचाप मान लिया, कई चीज़ें उसमें से स्पष्ट हो गई कि ये ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी, ऐसा मान के मैं आगे चलता हूँ। बहुत स्पष्ट हर चीज़ नहीं होती है। और एक चीज़ था, मान लो मैं दर्शन में था, उसमें 22 से 24 नंबर के पेज पे कहीं पे संबंध के बारे में, तो ऐसा लिखा है कि जीव चेतना का संबंध नहीं है, अभी तो हम जिस चेतना में जी रहे हैं, मतलब ये बहुत कड़ा है वो, तो संबंध हकीकत में है नहीं, वो मोह आसक्ति ही है। मैं जिस तरीके से अपने बच्चे का पोषण करते, वो एक्चुअली पोषण नहीं है जिस अर्थ में बाबा जी कह रहे हैं। अब जब इस रीति से हम जाएंगे तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ऐसा बोलते हैं, तो क्या पहले मेरी चेतना का विकास होगा उसके बाद मूल्य स्थापित होंगे, इस क्रम से जाएंगे तो मूल्यों का भास आभास प्रकृति होता रहेगा, और एक क्षण ऐसा मूल्य का आभास भास हो ही रहा है, जो मध्यस्थ दर्शन को पढ़ा नहीं है देखा नहीं है उसको भी हो रहा है, लेकिन जब वो सच्चाई को समझने की कोशिश करता है तो कुछ चीजें आभास हो जाती है। तो मध्यस्थ दर्शन को पढ़ते समय भी आभास हो जाएगा, है ना, दूसरे दर्शन को पढ़ के भी कुछ ना कुछ आभास होता ही है। तो यहां ज्यादा आभास होने की संभावना है, क्योंकि हम उन सब मूल मान्यताओं को स्वीकारते हुए चीजों को देख रहे हैं, हमारा जो कैनवास है बहुत बड़ा हो गया है, या फुल सारे मटेरियल आ गए हैं। भौतिकवाद में कुछ मटेरियल आया है उसमें आधा चीज है, आदर्शवाद में कुछ मटेरियल आया है, इसमें सारी चीजों को ले लिए, तो इसलिए हमारा तर्क बड़ा बनता है, आभास वाला चीज ज्यादा होता है या पूरा भी हो सकता है, है ना। हम बार बार वही चले जाते हैं कि हमको करना क्या होगा, हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी जी रहे हैं, बुरी चीज बुरी लग रही है, कई बार अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही है, कई बार अच्छी चीजें भी अच्छी लग जा रही है ना, कई बार बुरी चीज अच्छी लग रही है, हम इन चारों के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। मध्य दर्शन पढ़ने वाला भी बोलने वाला भी बुरी चीज को करता है, क्यों, अभी बोध नहीं हुआ है, बुरी चीज को मान लिया है, करता रहता है, क्यों, अभी वहां नहीं पहुंचा, बोल रहा है, आभास भी नहीं हुआ होगा, प्रतीति नहीं हुई है, तभी गलती कर रहा है ना। तो मध्यस्थ दर्शन को पढ़ रहा है माने वो गलती से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। जो मध्यस्थ दर्शन को पढ़ रहा है वो पढ़ नहीं रहा है, वो गलती से भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं है।
थोड़ा दया रखना पड़ेगा, है ना। तो हम मध्यस्थ दर्शन को पढ़ते हुए भी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि ये गलतियां हैं, ये सही है, हम सही में नहीं स्थापित हो रहे हैं, इसकी हमको पीड़ा हो रही है। सही को मैं कैसे स्थापित हूँ उसके लिए सोच रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसी को हम जागृति क्रम कह रहे हैं, है ना। जागृति क्रम कोई दूसरी भाषा में जीव चेतना भी कह दे रहे हैं। जब कोई नहीं समझना चाह रहा है उसका नाम है जीव चेतना में कोई समझना चाह रहा है उसको थोड़ी मीठी भाषा बोला जा रहा है कि कोशिश तो कर रहा है ये जागृति क्रम में, वो भी जीव चेतना वाला भी जागृति क्रम में ही है, भले ही वो आज वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कल वो करेगा। चेतना बाद में, मानव चेतना बाद में जागृत होगी, मतलब जागृत होगी माने प्रमाणित होगी। लेकिन पता है ना कि मैंने हत्या एक भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन हत्या करने का विचार किया है कि नहीं किया, तो अब क्या है, इसको क्या बोलेंगे। तो व्यवहार के स्तर पर हमसे बहुत कम बुरी घटनाएं हो रही है, विचार के स्तर पर उससे अधिक हो रही है। तो व्यवहार के रूप में अभी भी आदमी बहुत ठीक है, विचार के स्तर पर कम ठीक है। हाँ नहीं कर पा रहे, है ना। तो विचार में अच्छा वाला हमेशा रहेगा अच्छा, और व्यवहार हमेशा कम रहेगा, बुरी चीज का बंद हो जाएगा खराब, ये अंतर होगा, है ना। विचार अभी ज्यादा अच्छे हैं उसमें से कम अच्छे कर पा रहे हैं, ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पूरा जो विचार है आचरण में व्यक्त हो ही नहीं सकता, है ना। सारा अच्छाई आचरण से कभी भी व्यक्त नहीं होगा, हमेशा आचरण से विचार अधिक होता है, विचार से समझ ज्यादा अधिक, ये हमेशा की बात रहेगी। तो हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे भैया। कई बार ऐसा लगता है मध्यस्थ दर्शन में पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है तो मध्यस्थ दर्शन वाला या जीवन विद्या वाला और बाकी लोगों को भी ये वाला वो वाला ऐसा लगता है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन के थ्रू में अस्तित्व का अध्ययन कर रहा हूँ, ऐसा सोचने से फिर उन सबके साथ एक वो लगता है, जुड़ा लगता है। तो मैं मध्यस्थ दर्शन करने अस्तित्व का ही अध्ययन कर रहा हूँ इस दर्शन के थ्रू। हाँ, अस्तित्व का अध्ययन कर रहा हूँ इस दर्शन के थ्रू, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप पहुँचेंगे। मैं अस्तित्व का अध्ययन कर रहा हूँ खुद ही से, ये हर आदमी कर रहा है ना, तो वो अपने तरीके से कर रहा है। तो मध्यस्थ दर्शन जो नहीं पढ़ा है वो भी अस्तित्व का अध्ययन कर रहा है ना, तो हर कोई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम पहुँचने के लिए एक निश्चित व्यक्ति या निश्चित प्रक्रिया को हम स्वीकार रहे हैं, उसमें हमारे नियंत्रण होने की संभावना बहुत अधिक है। हम उस सही जगह पर आ सके उसके लिए बहुत जगह बहुत सारे छोटे छोटे हिंट दिए हुए हैं, ये इसमें फायदा होता है। जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन नहीं कर, जैसे बाबा जी ने तो नहीं किया, क्यों पहुंचे, मतलब अस्तित्व में संभावना है ना, तो अस्तित्व की संभावना समाप्त नहीं होती, अनुसंधान विधि है पर वो सबके लिए नहीं होती है, ये विधि सबके लिए। है ना जैसे एक आदमी ने एरोप्लेन बना लिया, उसके वो अनुसंधान विधि है, दूसरा आदमी अब अनुसंधान नहीं कर रहा है, वो जाता है कॉलेज में ज्वाइन करता है, वो टेक्नोलॉजी को पढ़ लेता है और उससे अच्छा वाला अभी कर ले रहा है, तो ऐसे ही है। 4 साल 5 साल पढ़ता है, 10 साल पढ़ता है, वो सीख जाता है, आ जाता है, और पहले हजारों सालों में वो पहला आदमी था जो बनाया एरोप्लेन। तो इस विधि में क्या है, एक परंपरा बन जाती है, जल्दी से हम कर पाते हैं, इसी का नाम शिक्षा परंपरा है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, छेवों वृत्ति में, देखिए ना, इसमें एक भी नहीं है,
क्या कई चीजें बड़ी सोचने की लगती है कि जैसे मूल्य हैं तीन, ये प्रेम वात्सल्य श्रद्धा और ये छह शिष्ट मूल्य के तीन, ये तीनों चित्त में हैं, लेकिन दया कृपा करुणा जैसा हाई वैल्यू वो वृत्ति में रख दिया है ना, क्यों रख दिया? हमको जो मोटा मोटी हम पहले जो शिविर में बोलते हैं या सुनते भी आए हैं कि स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य उससे श्रेष्ठ, स्थापित मूल्य क्योंकि ये गति है, ये उससे ऊपर मानव मूल्य है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा। अब ये दया कृपा करुणा भी वृत्ति में आ गया और कुछ मूल्य जो है चित्त में आ गया, स्थापित मूल्य और करुणा को इसमें गति में रखा, कृपा स्थिति में करुणा गति में, है ना। अब इसका उत्तर क्या है? ऐसा ही है, मेरे को इतना ही पता, इससे अधिक मुझे नहीं पता है ना। अब इससे अधिक आप दबाओगे तो मुश्किल है, मेरे को ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। अनुभव मूलक चीज मैं पढ़ाने के योग्य नहीं हूं ना भैया, ठीक है ना। तो अनुभव को हम संप्रेषणा विधि से कुछ चीजों को हम तर्कसंगत बना के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आई। जी भैया, न्याय धर्म सत्य जो है वो दृष्टि रूप में हमको समझा गया है कि एक दृष्टि है जिससे आप तुलन कर सकते हो, तो अलग से आचरण रूप में कैसे, और वो भी स्थिति और फिर धर्म गति में। पहले न्याय धर्म सत्य स्पष्ट नहीं रहता है, जो भ्रमित आदमी है जागृति क्रम में जो व्यक्ति है उसको न्याय धर्म सत्य पता नहीं है, लेकिन वो प्रेहित लाभ के ही एक सेट को न्याय मानता है। दूसरा आदमी प्रेहित लाभ के दूसरे सेट को न्याय मानता है या धर्म मानता है, इस ढंग से व्यवहार करता ही है क्योंकि वो फैकल्टी वहां डेवलप है, वो प्रे वो लाभ न्याय धर्म सत्य बना के ही छोड़ेगा हर चीज को, जब तक वस्तु नहीं आएगी तब भी बनाएगा, तो इसीलिए न्याय धर्म सत्य के रूप में वो कर पाता है। जैसे ही न्याय धर्म सत्य ध्रुवीकृत होते हैं तो वो अलग अलग रूप में आचरण के रूप में दिखने लगते हैं। मतलब ये इन आचरणों के थ्रू दिखने लगते हैं या न्याय जो बार बार आचरण है वो दिखने लगते हैं? न्याय दिखने लगेगा और इनका सम्मिलित स्वरूप भी, इनका सम्मिलित भी दिखेगा, सम्मिलित के ही एक भाग को हम न्याय कह रहे हैं ना। जैसे धर्म यदि कोई कर रहा है तो उसका एक छोटे भाग को न्याय कह रहे हैं, तो धर्म के जैसे इतना बड़ा धर्म है उसका ये वाला भी न्याय है, ये वाला भी न्याय है, ये वाला भी, हर जगह न्याय है फिर तो, इस ढंग से बोल रहे हैं। तो न्याय धर्म दोनों साथ में ही है लेकिन बड़े में छोटा समाया है। धर्म क्या करके चारों अवस्थाओं के साथ जब मानव को देख के बोल रहे हैं तो उसको धर्म बोल रहे हैं, केवल मानव को कह रहे हैं तो उसको न्याय बोल रहे हैं, मानव के व्यवहार को। तो इतना जैसे मानव के व्यवहार को भी बोलने जा रहे हैं ना, तो उसमें भौतिक वस्तु जुड़ी हुई है, भौतिक वस्तु का उत्पादन भी जुड़ा हुआ है, उसका उपभोग भी जुड़ा हुआ है, उसका वितरण भी जुड़ा हुआ है, उसका विनिमय भी जुड़ा हुआ है। वितरण को गलत कर देता हूं तो भी बोलो बोला जाएगा अन्याय, उत्पादन को गलत कर दूंगा तो भी बोला जाएगा अन्याय, तो बहुत सारी चीजें जुड़ गई है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ के एक बड़ा शब्द बन रहा है। भैया ये जो परिवेश है, हम बल और शक्ति को कैसे देखेंगे? एक परिवेश दूसरे परिवेश से कोई संकेत प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने के लिए जो उस परिवेश की तरफ जा रहा है उसको बल कह रहे हैं, क्योंकि उसका बल वही है। जैसे आत्मा का बल क्या है? अनुभव होना ही बल है, माने अपने से ऊपर में गया तो बल ऊपर वाले से पा रहा है, तो आत्मा अपने से सूक्ष्म से बल प्राप्त कर रहा है ना, उसका स्थिति वहां पर है। बुद्धि जो है आत्मा से बल प्राप्त कर रहा है, अपने से ऊपर वाले तो उधर जा रहा है, स्थिति ऊपर में है, उस स्थिति ऊपर में माने वहां से वो चालू हो रहा है, यहां से चालू उधर नहीं हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको बल बोल रहे हैं। तो पहला परिवेश शरीर को प्रभाव डाल रहा है उसको शक्ति कह रहे हैं, और जो दूसरा परिवेश है वृत्ति से वो संकेत ले रहा है, लेने के लिए जा रहा है, लेने के लिए जो जा रहा है उसका नाम है आस्वादन। पहले
दे रहा है। अपन भ्रमित में देखेंगे कि मन में जो भी हुआ आस्वादन वो वृत्ति में गया, वृत्ति ने उसके छह टुकड़े किए, प्रिय है या हित है या लाभ है या न्याय है या धर्म है या सत्य। मन ने क्या बोला, मीठा है खट्टा है कड़वा है, ये बोल रहा है मन, मन को ये इतना ही पता है। वृत्ति उसको बता रही है कि ये प्रिय है, मीठा है लेकिन प्रिय है, कड़वा है ये भी प्रिय है, ये कहता है ना, नमकीन है लेकिन अप्रिय है, ये कह रहा है। तो मन के जो आस्वादन है वो पहले ऊपर जाते हैं, वृत्ति उसके टुकड़े करता है। अनुभव मूलक में उल्टा है, आत्मा वाला अब नीचे आ रहा है। आत्मा में जो सुख है अब वो नीचे आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, मन वाला जा रहा था, मन वाला जाके फायदा क्या हुआ, उसको ऊपर वाला पता चला, फिर वृत्ति वाला और ऊपर गया क्यों, उससे वो ऊपर वाले को जाना। वैसे जब आत्मा तक चला गया तो आत्मा से जो आ रहा है वो नीचे तक आया। तो ये सारे जो आस्वादन है ऊपर से आए, ये जो इसमें जो 18 जो आस्वादन 18 जो तुलन है या जो 32 जो आस्वादन है, जो ये सब ऊपर से आ रहे हैं। मैं वो केस में तो जो प्रिय था, जो शरीर संगीकरण से जो भी हमको पहले मीठा अच्छा लगता था, तो अनुभव मूलक मीठा अच्छा क्यों लग रहा है, नहीं नहीं पहले मीठा क्यों अच्छा लगता था, मेरे मन को अच्छा लगता था, अब मीठा मुझे क्यों अच्छा लगेगा, ये शरीर के लिए जरूरत है इसलिए मीठा अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा लगेगा ही नहीं। बढ़िया आपने प्रश्न पूछा, बदल सकता है, मतलब पहले मीठा क्यों मुझे अच्छा लगता है, मन तय करता है ना, उसमें शरीर के लिए जो अहित है वो भी मुझे प्रिय लगता है भ्रमित अवस्था में, जागृत अवस्था में जो शरीर के लिए अनुकूल है वही प्रिय लगेगा। प्रिय हित लाभ तीनों न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित हो जाएंगे, इसी को बोल रहे हैं संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनशीलता नियंत्रित होगी। जैसे एक मोटा मोटा चीज दही है, दही में क्या लोगे, नमक लोगे कि शक्कर लोगे, हम बोलते हैं शक्कर दे दो, पहले मैं शक्कर लेता था, कोई बोलता है नमक दे दो, बाबा जी को पूछे तो बाबा जी ने दही को चखा उसके बाद बोला इसमें ये दो। मैं एकदम एक प्रैक्टिकल उदाहरण बोल रहा हूँ, वो ब्लाइंड को भी नहीं बोले, उन्होंने देखा अब वो क्या है शरीर के लिए ठीक बना के लिया उन्होंने। हम कैसे लिए, हमको कोई एक स्वाद अच्छा लगता है शक्कर उसको डाल दो, हम मतलब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ आप लोग को नहीं शामिल किया हूँ ये क्या है। अब एक बहुत छोटा सा आचरण कभी ध्यान में चला गया तो बता रहा हूं, पूछते थे ताजा दही है कि देर वाला है, देर वाला है नहीं नहीं बोलती, खट्टा है नहीं बोलती। तो एक अपना बना के रखा उन्होंने, मैंने देखा कि उनको कड़वा पसंद नहीं है, अब पसंद नहीं है कि प्रिय नहीं, कड़वा वास्तव में बल शोषक है, यदि आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो कड़वा जो है बल को शोषण करता है, कम करता है, मीठा जो है बलवर्धन करता है। पर बाबा जी बहुत मीठा खाते थे ऐसा नहीं, मिर्ची वो रेयर ही खाते थे, कभी दे दिया तो थोड़ा सा खाए नहीं तो नहीं, ऐसा है। अच्छा मेरा और मेरी पत्नी का एकदम अलग है, खाना बनाने वाले तो वही लोग हैं, है ना, इनको ऐसा लगता है कि बाबा जी को बहुत रिच डाइट पसंद है बनाने वाले को, है ना, जो उनके बाजू में बैठ के रोज खा रहा है ना, उनको क्या लगता है उनको कोई मतलब नहीं उससे, बनाने वाले का उत्साह बना रहे हैं उसके लिए भी वहां से कुछ इनपुट आ रहा है बनाने वाले का उत्साह बना रहे उसके लिए वहां से कुछ इनपुट आ रहा है कि हमको आज ये खाना है ना। लेकिन जो बाजू में बैठ कर रोज खा रहा है देख रहा है, केवल वही देखने के लिए तो गया हूं भाई। अर्जुन गीता में पूछते हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ है कैसे खाता है कैसे पीता है, अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं तो वहां देखने गया हूं कि वो कैसे खाते हैं कैसे पीते हैं, मेरे को देख रहे हैं मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, है ना, मेरे को देख रहा है, लेकिन बनाने वाले को लगता है कि बाबा जी बोले हैं तो बहुत इंटरेस्ट से होना। उनकी बड़ी बहू आई मैसूर से तो बाबा जी ने बोला हालबाई बनाओ, हालबाई वहां का कोई मिठाई होता है,
उसमें क्या करते हैं, गेहूं को भिगा के उसको अंकुरित करके उसका दूध निकालते हैं, नारियल को पीस के उसका, कच्चे नारियल को पीस के उसका दूध निकालते हैं, और गाय का दूध, तीनों को मिलाते हैं, तीनों को मिला के पकाते हैं। पकाने के बाद एक निश्चित कंसिस्टेंसी बनती है, गाढ़ापन एक आ जाता है, उसमें शक्कर वगैरह मिला के, उसका नाम है हाल भाई। तो बाबा जी ने बोला हाल भाई बनाओ, बनाया। बाबा जी ने खा के बोला यदि हाल भाई अच्छा बन सकता है तो इतना ही बन सकता है, मैक्सिमम ये है, वो बताए। तो वो भी बोलते थे। एक बार श्रीराम भैया के यहाँ कॉफ़ी पी है, श्रीराम भैया ने कॉफ़ी पिलाया तो पूछा कैसा है, श्रीराम भैया का कॉफ़ी बहुत हाई क्वालिटी का है। तो बाबा जी ने क्या बोला, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ये मेरे को याद नहीं है। बीच में लेकर आता हूँ बनाते हो। दोष किसमें था भाई? मतलब देखिए, मतलब उनको मूल्यांकन है अच्छा बना कि नहीं बना, कोई चीज सही पाक हुआ कि नहीं, वो मूल्यांकन है। पहले मैं जो खाना खाता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था खाने में क्या डाला है क्या नहीं डाला है। उनको कई बार मैंने खिला के पूछा कि इसमें क्या क्या डाला है, उन्होंने बोला, और अभी मुझे आश्चर्य है, मुझे पता नहीं चलता है, मेरी बेटी को पता चलता है उसमें क्या क्या मसाला डाला है। उसका वो चीज ज्यादा डेवलप है भाई। बाबा जी ने एक बार मुझे कहानी बताया कि उनके बड़े बेटे को, बड़े मतलब है मजले अमरकंटक में जो बड़े हैं मारकंडे भैया, उनको कोई भी पत्ती दो वो सून के बता देते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो बोले रोज में दो चार पत्ती ला के देता था, वो सून के बताते थे। मैंने भी उनसे कई चीजें सुंघा के देखा कि वो अभी भी वो है कि नहीं, वो बता देते थे, पत्ती को सून के उसको स्वाद बता देंगे। बाबा जी ने बताया उसको, फिर मैंने जांच भी किया। तो मूल्यांकन उनको है कि पाक बनेगा तो कौन सा बनेगा, ठीक बना नहीं बना वो है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है। हम पता कुछ भी नहीं है, आसक्ति पूरी है। ये वैरायटी है। अब वो बाजू में बैठा है वो उनके। अब कितना रिसीव होगा आप भी सोचो। तो अनुभव वाला, मैंने पूछा कि बाबा जी समाधि के बाद आपको क्या खाने का इंटरेस्ट होता था, मैंने समाधि पर बहुत प्रश्न किए। तो बोले हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भूख के कारण कुछ कर दूंगा, माने किसी को मारपीट दूंगा या छीन दूंगा, ऐसा नहीं लगा। दिए तो खा लिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि ये कैसे है, मुझे ऐसा लगता था कि ये सामान्य आदमी तो नहीं है, सामान्य आदमी से अलग है। उसको जानने की कोशिश करता था, अपना जितना छोटा अकल है उससे। तो बहुत सारी चीजें क्या है, इनको पता रहती है, प्रिय हित को ये यूज कर रहे हैं। शरीर के लिए जो अनुकूल है उसको प्रिय, आगे लिखा है मीठा को लिखा है शोषण या पोषण। मीठा शोषण भी हो सकता है, पोषण भी हो सकता है, उसको वो पहचानते हैं। खट्टा शोषण भी हो सकता है, पोषण भी, दोनों लिखा हुआ है और हम इसको पहचान रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं। और समाधि वाला आदमी नहीं पहचान पाता, या उनको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, है ना, ये अंतर है। तो प्रिय मरता नहीं है, प्रिय बना रहता है, प्रिय की समझ रहती है। अब प्रिय को शरीर के लिए ही नियोजित करते, ये उनका अपना एक ताकत है। तो सर ये भी बाबा जी को इतनी नॉलेज थी शरीर के स्वास्थ्य की, तो बोलते ये भी पता था क्या खाना है क्या नहीं, तो जो खाना था वो उनके अनुसार बनता था या जो मिलता था? जो बनता था वो खाते, जो बनता था उसी में वो ढूंढ लेते थे क्या चीज। तीनों टाइम खाते थे? हाँ, तीनों टाइम खाते थे। उनकी डाइट अच्छी थी, मैं तो मेरे से अच्छी थी। हाँ, चार। और हाँ, मेरे को भी उन्होंने कई बार, एक बार पूछा
कि तुम्हारा कैलोरी पूरा होता है कि नहीं, मतलब मैं खाना कम खाता था, क्या है हमको खाना खा के नींद आएगी, अब साथ में बैठना है, तो दोपहर का खाना मैं बहुत ही कम खाता था, तो मैं एक अभ्यास बना लिया था। कई बार उस समय बोलना भी पड़ता था शिविरों में, और मैं सो जाऊंगा तो बाकी लोग वैसे ही तैयारी में ही है। तो उसका एक अभ्यास बनाया, तो उन्होंने मुझे पूछा, बहुत छोटी छोटी चीजों में वो ध्यान रखते थे, बहुत छोटी छोटी चीजों में। मैं दूध नहीं पीता था कभी, तो एक दो बार बोले मैंने नहीं पिया, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था जो भी था। तो एक बार उनको उन्होंने मुझे बोला कि इस समय दूध हो रहा है पी लो, बाद में नहीं मिलेगा। कभी किसी मौसम में ज्यादा होता है, किसी में, ये भी है ना। तो बहुत सारी चीजों पर, छोटे छोटे चीज पर वो ध्यान देते थे। सोम भैया ने मेरा बहुत टेस्ट लिया परिचय शिविर में। सोम भैया ने मेरा बहुत टेस्ट लिया। आगे आगे बैठती थी, आंख जरा सी बंद होती थी, कहते हैं आपको हमेशा सो जाते हैं। फिर मैं कहती थी 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो आपने बताया, मैं थोड़ा सा बता लेती हूँ। भैया एक कभी जब आपको भूख लगी होती है, तो शायद कुछ वर्ष पहले ये स्थिति होती थी कि वैसे ही बेचैनी होती थी और आप एक्शन भी ले लेते थे। अब मेरे ख्याल 10-1 साल बाद ये स्थिति है कि अभी आप पहचान पाते हैं कि वो अभी भी एक्शन ले लेते पॉसिबल, पर मतलब एटलीस्ट वो अपने अंदर पहचान तो होती है कि ये भूख है इसलिए चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो अब बेसिकली ये चिड़चिड़ापन पहचान पाना भी आप ज्ञान इंद्रियों में इंद्रियों को पहचान पा रहे, तो जागृत व्यक्ति को भी चिड़चिड़ापन तो होता होगा। भैया देखा नहीं उनको मैंने ऐसा करते हुए। देखिए हम यहाँ से साथ में उनके दिल्ली जाते थे ट्रेन में, उन दिनों यात्रा करके जाते थे, जाके हम थक जाते थे, हम सोने का जुगाड़ सोचते थे, यंग था मैं, है ना, और इतना भी कमज़ोर नहीं, फिट हुई ही। और वो जाके सुबह जो बैठ गए, वो रात को 10, 11, 12 बजे तक लोग आते थे, मिलते थे, वो लगातार ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बैठे रहते थे, पैर को ऐसे भी नहीं करते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और लगातार बोलते थे। तो शरीर भी उनका वैसा फिट था कि कर लिए थे, भैया मुझे नहीं समझ में आया, मतलब हमसे मजबूत हमको हमेशा लगे। वही बताया ना कि बुद्धि को हमेशा लगता है कि आत्मा अनुभव वाला है, वही स्थिति हमारी रही। वो हमेशा मजबूत लगते थे हमसे। कई बार उन्होंने बोला कि दबाव, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इनको तो जरूरत ही नहीं है, हमको आखिरी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ कि इनको जरूरत है, मेरे को तो कम से कम नहीं हुआ। बहुत सारे भ्रम भी रहे ना, गलतियां भी हुई, मैं नहीं मान पाता था। तो बताया ना, पहचानना बड़ा मुश्किल है। एक तो वो आदर्शवादी मान्यता लगातार बनी रही, भले ही मैं भौतिकवादी शिक्षा लिया हूं, लेकिन किसी समय में मेरे अंदर आदर्शवादी मान्यता जड़ जमा ली, और उसी में लंबे समय बना रहा, बहुत मुश्किल हुई उससे छूटने में। लेकिन भौतिकवादी से आदर्शवादी मान्यता हर हाल में अच्छा है। भौतिकवाद तप को बिल्कुल घृणा करता है, भोग को समर्थन करता है, आदर्शवाद संयमता को पक्ष में, मतलब आदर्शवाद में जो अच्छा है वो संयमता को मानता है, भोग से घृणा करता है। तो कुछ चीजें बहुत मिलती है इसकी, भौतिकवाद की नहीं मिलती है। भौतिकवाद का एक ही चीज मिलता है, तर्क। भौतिकवाद का एक ही चीज अच्छा है, तर्क को इन्होंने स्वीकार किया, ये अच्छी चीज, इसको बाबा जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन तर्क के लिए जो आधार है 3, 4, 5, उसको उन्होंने छोड़ दिया है, ये प्रॉब्लम है। और आदर्शवाद में संयमता को लिया गया, ये अच्छी बात। तो तर्क के लिए आधार ये जीवन का अमरत्व और शरीर का रक्षण। जैसे आपने बताया, मतलब कि प्रथम परिवेश को जो आत्मा से जो प्राप्त होता है वो बल का, उसका नाम आस्वादन है। फाइनली शुरू में कहां से है, आत्मा को जो अस्तित्व में होने के कारण जो बल मिलता है वो अनुभव। हाँ नहीं, शुरू में, मतलब भ्रमित व्यक्ति कहाँ से शुरू करता है, शरीर से जो मिलता है मन को,
उसको कहता है आस्वादन। इंद्रियों से जो मिलता है उसको कहता है आस्वादन। इसीलिए जब परिचय शिविर में बताते हैं आस्वादन को तीन प्रकार से बोल रहे हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। ये जो दोनों को छोड़ के रख दिए हैं, रुचि मूलक ही एड्रेस किया जाता है ताकि लोगों को पकड़ में आते रहे, मूल्य मूलक को थोड़ा बहुत बोला जाता है, लक्ष्य मूलक को छोड़ देते हैं। ये चीजें फाइनली जब आत्मा में अनुभव होता है तो मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक पूरा हो जाता है। प्रतीति वाली जगह से लक्ष्य मूलक के साथ मूल्य मूलक और बढ़ जाता है। ये उसकी कहानी। तो आस्वादन जो शुरू में मन में बता रहे हैं वो हम शरीर से आने वाला बता रहे हैं परिचय शिविरों में, लेकिन यहां पर आके पूरा जो आस्वादन है ये सब अनुभव से आ रहा है। अब शरीर से कुछ भी नहीं आ पा रहा है ना, शरीर से संकेत आ रहे हैं उसको पहचान रहा है, शोषण या पोषण के अर्थ में देख रहा है, बस जागृत माना उसको शोषण या पोषण के रूप में देख रहा है और उसको दबा दे रहा है, दबा दे रहा है या जितना देना है उतना दे दे रहा है ना। ये अंतर बड़ा एक है। अनुभव मूलक में सब चीज आस्वादन भी अनुभव पूर्वक हो रहा है, अनुभव का ही आस्वादन हो रहा है। अनुभव के आस्वादन का अलग अलग नाम दिया, अनुभव के तुलन का अलग अलग नाम दिया, जैसे विद्या या कीर्ति ये सब। तो अनुभव जब वृत्ति में आता है तो उसके ये नाम हो जाते हैं। अनुभव ही आया है, डायरेक्ट नहीं आया, ये भी सोचना पड़ेगा, चित्त के थ्रू आया, चित्त के में आया वृत्ति बुद्धि से, ये क्रम हुआ है ना। तो वास्तव में इस पुस्तक को पढ़ने का ये टेक्निक बता रहा हूँ है ना, बाकी पुस्तक को समझाने वाली जो बात है बहुत ही ऊपर है ना, मेरे लिए तो बहुत ऊपर है। नहीं, जैसे हाथ पैर तोड़ देंगे उनको दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ, दर्द होगा ना, पहले बोला गया था कि जाग समाधि वाले को नहीं होगा। बाबा जी के जो गुरुजी हैं उनके बारे में मैंने जो सुना है कि वो नहाने गए और पानी में बह गए, समाधि लग गई नहाते नहाते बह गए। नदी में तो हाँ, उनको बहुत ध्यान नहीं रहता था शरीर का, मतलब समाधि में शरीर कहाँ, कुछ नहीं। तो संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदना नियंत्रित होगी। बताया ना, जब पहली बार बाबा जी अपने परिवार वालों से मिले, पहली बार का मतलब अमरकंटक आने के बाद, तो बोले दोनों सब रो रहे थे, बड़े भाई भी रो रहे थे, बाबा जी भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, रो रहे मतलब आंसू बह रहे, लेकिन वो वाला दुख वाला नहीं है, बोले ऐसे ही व्यक्त होता है। तो हमने मान लिया है कि समाधि वाला आदमी रोएगा नहीं, हंसेगा नहीं, ये सब मान लिया, जागृत आदमी ये सब करेगा। एक और छोटी सी घटना बताता हूं, मतलब कितना जो संवेदनशीलता वाला, मेरे हाथ में एक ये हो गया था, गठान हो गई थी है ना, ट्यूमर हो गया था, तो उसको कुछ छोटा मोटा उपाय किया, जो भी किया उससे ठीक नहीं हुआ। तो फिर एक दिन तय किया कि इसको कटवा लिया जाए, बाबा जी से पूछा, बोले कटवा लो, ये नस फूट गया है, बोले अब ये जैसे पेड़ को तोड़ने से गोंद निकलता है वैसा ये गोंद जैसा है, इसको कटवा लो, नहीं ठीक हो रहा है। क्या बच्चे लोगों को गोद लेता था तो वो लगता था तो झलनाता था, ये सब सारे बच्चे अमरकंटक में, तो उस समय होने लगे, ठीक है। तो एक डॉक्टर के पास गया, अरे बोले दो मिनट में काट दूंगा यार, जब आ जाओगे तब कर दूंगा। तो मैं गया, उसने दो तीन लोकल इंजेक्शन एनेस्थीसिया वाले लगाए, और जब करने लगा तो मैं बोलने लगा कि देखिए साहब ये नस में है, आप ये कर रहे हैं ना, मेरा पूरा हाथ कांप रहा है, बात करते करते उनको, तो क्या सही बोल रहे हो, ये नस में ही है, वो नहीं काटूंगा करके उन्होंने बांध के छोड़ दिया, खत्म।
कुछ दिन के बाद दोबारा काटने का ये हुआ, तो और हमारे एकदम घरेलू जो परिचय है उस डॉक्टर से बोला, तो देख के बोला कि यार देख के तो बड़ा ख़राब दिख रहा है, इसका FNAC करा लो, छोटा सा एक टुकड़ा निकाल के उसको अपन जांच करेंगे, करा लेंगे। तो बाबा जी ने बोला पूरा ही काट लो, फिर कर लेना जो करना है, है ना। तो बोले वो पता चलेगा कि क्या है नहीं है, काटने में कहाँ वहाँ, तो हमको आसानी पड़ेगी। तो उन्होंने काटा, FNAC किया, उसमें ATIPA करके एक सेल निकला, ATIPA सेल बताया। तो जो महिला थी, जो बूढ़ी महिला थी जिन्होंने वो किया सिटोलॉजी वाली, उन्होंने उसको मेरे को देख के बड़ी दया आ गई। वो मुझे बोली कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको जल्दी से निकाल लो। तो मैं कुछ उन दिनों, एक तो भूत भी दूसरा रहता था, कुछ काम भी थे मेरे, तो मैं बोला डेढ़ एक महीना तो मैं बिजी हूँ अभी, कहीं 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 मुझे शिविर विविर में जाना था, फिर नवरात्रि होती है वहाँ बहुत लोग आते हैं अमरकंटक में, बाबा जी उस समय रहते हैं, तो उसके बाद कराऊंगा। फिर भी उन्होंने बोला देखो जल्दी करा लोगे तो अच्छा है, मैं इतना ही बोलूँगी। फिर बाद में कराने गए, जब कराने गए तो बाबा जी ने करने वाले डॉक्टर को बोला न्यूरोसर्जन को भी बुला लो। तो बोले ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो भी बुला लो, बाबा जी ने उनको बोला। तो बोले कि बाबा जी इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, लगने दो, है ना। तो अब चूंकि वो घर के ही आदमी हैं, तो वो सुबह 9 बजे सर्जरी करना था, न्यूरोसर्जन से बात किए, तो न्यूरोसर्जन से बात करके रख लिए, बुलाया नहीं, और उनको कहीं जाना था 9 बजे, तो उन्होंने ऑपरेशन का समय 6 बजे सुबह कर दिया, और ताकि पैसा कम लगे। देखिए हर आदमी अपने तरीके से भला सोचता है, घर के आदमी है वो। और उसके बाद सर्जरी हो गई, और जब काटा तब पता चला कि न्यूरोसर्जन चाहिए। तो मैं बेहोश पड़ा हूँ, फिर न्यूरोसर्जन को बुलाया आया, उसके बाद फिर काटा कूटा जो किया, और इतना हैवी एनेस्थेसिया दिया था कि मैं अगले 2-2.5 दिनों तक किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाया। वो जो टुकड़ा रखे थे मैं देखना चाह रहा था कैसा है, उसको मैं देख ही नहीं पाया, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया उसको, एकाग्र ही नहीं पाया मेरा आँख 2 दिन तक। फिर तंग होके मैं छोड़ दिया, उसके बाद मेरी मेमोरी चली गई आधी, वो सब है अलग कहानी, है ना, जो भी हुआ। लेकिन घटना क्या हुई, बाबा जी ने बोला, और फाइनली उसका बायोप्सी किया तो वही निकला जो बाबा जी बोले थे, नस फूट गया है, है ना, वही निकला। तो लेकिन घटना क्या हुई, मैं उठा, जब मैं मेरी होश आया तो मैं ये बोला कि गर्मी लग रही थी, पानी पिलाओ, तो बोले पानी पीने मना किए। तो मैंने कहा AC चलाओ, है ना, उन दिनों AC कॉमन नहीं था बहुत, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला। तो बोले AC नहीं है, कूलर चलाएंगे। ठीक है चलाओगे, पंखा वंखा चला दिए, कूलर वूलर भी नहीं चला, हो गया जो। कुछ खाने का बोले मेरे को, मैं बोला कुछ खाऊंगा, बोले अभी तुमको खाने मना किए हैं, कुछ करते हैं मुंह से ये करते हैं, तो अभी खाने मना किए हैं, 2 घंटे बाद खाना करके। तो फिर अब 12-1 बज गया, भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने पूछा बाबा जी कहाँ हैं, तो बोले बाबा जी आए, और पता चला कि बाबा जी भी नाश्ता नहीं किए, बोले साधु के साथ ही खाएंगे। मतलब कितनी छोटी सी बात है, उन्होंने उसको मेंटेन किया संवेदनशीलता वाला भाग को, कि नहीं इसी के साथ खाएंगे, नाश्ता इसी के साथ करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, वो तो अलग जगह है, मैं अलग जगह हूँ। कभी भी घर में कोई आता था, कोई लेट आ रहा है, आप आयु 80, 85, 90, लेकिन लगातार वेट करते थे नहीं उन्हीं के साथ खाएंगे। हमारे लिए वेट किया था पहली बार 10:30 बजे, और हम लोग पेंडा से निकले, मैं और बिल्कुल बोल के दिल्ली से लड़का, और हमको भूख लगी तो हम रास्ता मतलब गाड़ी रोक के समोसा चाय खाए और निकले। यहाँ आने से जब पता चला ये खाए नहीं, मुझे बड़ा ही खराब लगा। 10 बजे हम लोग पहुँचे, 10 बजे फिर खाना खाया, फर्स्ट टाइम, मतलब एकदम नए आदमी के लिए भी ये सब था। मैं भी पहली बार गई थी तो वो 1-1.5 बजे तक गई थी, अम्मा दीदी बोली जल्दी तैयार होकर आ जा दीदी, बाबा खाना नहीं खाएंगे। अब क्या ये संवेदनशीलता है कि नहीं है, वो नियंत्रित करके रखा है, बूढ़े हैं, भूख लग रही है, सब कुछ होगा,
लेकिन नहीं नहीं करेंगे। अब मेरे को बड़ा खराब लगा कि भाई बाबा जी भूखे हैं और मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे इतने ज्यादा सामने मेरे सामने आए, एक दो नहीं मतलब हजार दो हजार रोज की घटना है ना ये, रोज रह रहा हूँ। अब 20 साल साथ हूँ, 22 साल साथ हूँ मतलब, और वही जब ब्रेन स्ट्रोक हो गया उसके बाद एकदम बदल गए, वो कन्नड़ भूल गए, वो कन्नड़ बोलने लगे, पहले हिंदी बोलते थे कन्नड़ भूल गए थे। ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और कन्नड़ में कुछ बोला, मैं तो ऐसे देखने लगा, फिर बोला बाबा जी आप कन्नड़ बोल रहे हैं, तब उन्होंने हिंदी में बोला तुमको जो समझ में नहीं आया वो कन्नड़ हिंदी में बोल। फिर उस पीरियड में उनका ऐसे ही रहा, उनको नहीं समझ में आता रहा, उस समय वो अकेले खाते थे और उन्होंने वो काजू खाने का उनका एक हुआ तो खूब काजू मंगाया और खाते रहे, वो रखा रहता था खाते थे, मैं उनके सामने डब्बा खोल के देखता था कि उनका क्या रिएक्शन होगा मैं भी खाता था देखने के लिए क्या रिएक्शन है तो एकदम छोटे बच्चे हो गए माने उस समय, जो छोटा बच्चा अपने माता पिता को जैसा मानता है वैसा मैं जो बोलता हूं हां बोलते थे, मतलब एकदम छोटा बच्चा जैसा है वैसा। एक बार हम लोग पंडरपुर जा रहे थे तो इनका जो चप्पल जूता है वो पैर से निकल गया, तो मेरे को बोले कि हम लोग पीछे बैठे थे, साधु ठीक करो, मेरा हाथ पहुंचा नहीं तो मैं श्रीराम को बोला, श्रीराम भी पीछे बैठे थे, वो लंबे थे, किए हाथ पहुंच गया, बाबा जी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ साधु तुम करो, मैं झुक के छू दिया, बोले हाँ हो गया एकदम छोटा बच्चा माँ ने कर दिया मैंने ठीक, दूसरे ने किया ठीक नहीं, वो स्टेज ब्रेन स्ट्रोक के बाद मैंने वैसा देखा। मतलब इतने सारे ऑब्जर्वेशन है जो साथ में रहते हैं ना रोज रोज के रोज रोज के, ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हमको दिखती है, ये कहानियां नहीं है, एक आचरण के छोटे छोटे भाग हैं कि कैसे संज्ञानशीलता को संवेदनशीलता को नियंत्रित किया संज्ञानशीलता ने, और वही एक समय खुद खा रहे हैं। अच्छा उस समय भी इतना रहा कि कोई भी आया तो पूछते हैं उनको खाना खिलाया, खाना खिलाओ, ये पूछते, तो पता नहीं कैसे होता। जैसे अभी मेरी माँ आती है, वो ज्यादा अब बूढ़ी हो गई है, वो समझ नहीं पाती है, लेकिन ये जरूर पूछती है खाना खाया कि नहीं, उसको चाय पिलाया कि नहीं, उसको चाय दो, एक एक वो सब उनको पूरा याद रहता है, बाकी चीज उनको बिल्कुल याद नहीं रहता। अब ये क्या है अभी नहीं समझा मैं, अभी खाती हैं अकेले, पहले बिल्कुल मेरी माँ का बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं था, हम तो बड़े हुए हैं, अब खाती है अकेले, बोलती है देव, कोई भी चीज़ सामने लाओ तो बोलती दो, अब डायबिटिक हैं तो मीठा चीज़ हम लाते ही नहीं है, या कोई ला देता है तो छुपाना पड़ता है, तो वो भी होता है। तो कुछ चीज़ें बुढ़ापे में ब्रेन की एक अलग स्थिति में अलग चीज़ें दिखती हैं। ये ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी क्योंकि उनकी तो सारी क्रियाएं एक्टिव थी तो वो मूल्यों का निर्वाह उसी तरह से चल रहा था या मेधस का भी रोल रहता है मूल्यों के निर्वाह? बहुत भारी, उनको आखिरी तक समझ में नहीं आया कि बीमार है। जैसे उनका एक ब्रेन स्ट्रोक थे तो एक बार उनके बेटे आए बड़े वाले मार्कंडे भैया, तो बाबा जी उनको पहचाने नहीं, उसके बाद बाबा मैं मार्कंडे, हाँ हाँ पहचान गए, अगले दिन फिर आए तो बाबा जी ने पहचान लिया, उसके बाद फिर मैंने कुछ बोला तो बोले कल नहीं पहचाना था, ये भी उनको याद आ गया। छोटे वाले बेटे आए, उनके गले में ऐसा करके हाथ डाले, बोले बाबा तबीयत खराब है, बहुत जोर से बोलते हो, किसका उन्होंने आखिरी तक यही बोला कि हमको कोई तकलीफ नहीं, हम कई बार पूछे हमको कोई तकलीफ, आखिर एक भी बार उन्होंने तकलीफ नहीं बोला। तो बहुत सारी चीजें दिखती है
कई चीज दिखती कि लाचारी भी है दोनों नहीं, मतलब वो तकलीफ इसलिए नहीं थी क्योंकि मेधस नहीं समझ पा रहा था या संज्ञानशीलता पूर्वक तकलीफ नहीं, उन्होंने स्वीकार बीमारी को नहीं स्वीकारा। स्ट्रोक के 10 मिनट बाद भी मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उनका पैर पूरा लाइफलेस हो गया था, मैं बाथरूम से घसीट के लाया, घसीट के पूरे शरीर को, मतलब ताकतवर थे वो, तो 80 किलो के रहे, अच्छा घसीट के लाके आके बिठाया, उस समय राकेश गुप्ता भी थे, तो मैंने कहा मतलब उनका जवान ये होने लग गया था, तो मुझे लगा ये स्ट्रोक हुआ है, बाकी सब लोग और कहीं थे, तो फिर राकेश को बुलाया, मैं बोला कैसे बात कर रहे देखो, तो उनका स्पीच जो है वो हो रहा था, स्लर हो रहा था, तो मैंने कहा कि आपकी आवाज़ जवान जो है वो हो रही है, मैं अम्मा दीदी को बोला मुझे लगता है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो राकेश मैंने बोला, राकेश को बोला तुम बोलो, मुझे लगा बाहर मतलब कोई नया आदमी बोलेगा तो मानेंगे, हमको तो ऐसे डाक के भगा देते थे तो राकेश ने बुलवाया किया तुम बोलो, तो राकेश ने बोला कि आपकी आवाज़ समझ में नहीं आती, उसी स्लर में बोल रहा आप समझना ही कुछ नहीं था देखिए उसके बाद फिर मैंने गणेश भैया को बुलाया, हम बोले चलेंगे दिखाने डॉक्टर को, वो नहीं बोले, फिर मैंने गणेश भैया को बुलाया, यही गणेश वर्मा, तो गणेश भैया आए, गणेश भैया के बोलने से एकदम एक बार में रेडी हो गए गाड़ी में चलने के लिए, गणेश भैया गाड़ी में लेके जाते थे एकदम से रेडी हो गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ बिलासपुर में राम भैया ने दिखाया डॉक्टर को जो भी है देख लिए, उसके बाद और कुछ बाबा जी ने अम्बा दीदी को डांटा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया है हमको कुछ नहीं हुआ है, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, और मैं वो किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं हुए थे। ये 94 दो साल बेड में ही रहे, मतलब 14 मार्च को हुआ था और 5 मार्च को गए हैं, मतलब लगभग 2 साल दम है बस ये है ऐसा, खैर मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखता है जो इतने लंबे में हम साथ में देखे, तो संवेदनशीलता को उन्होंने बहुत उपयोग किया, पता ना कोई आया और वो खाए उनके आने साथ में खाना खाएंगे ऐसा बहुत बार दिखा, तो संवेदनशीलता को उन्होंने नकारा कभी भी नहीं, बहुत सारी जगह उसका पूरा उपयोग किया, मतलब है जो हम आपका ध्यान रख रहे हैं उसको कैसे बोलें, कई लोग को लेने के लिए मेरे को भेजा, जाओ ले आओ उसको, तुमको जाना है, कि वो किसी और के जाने से काम चलेगा, बोले नहीं तुमको जाना है, जाना है मैंने जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है इसमें, क्या होता है घटनाएं तो हम भूल गए हैं बहुत सारी, लेकिन वो घटनाओं का एक सार अंदर में ट्रांसफर हो जाता है कि वो ये करना चाह रहे हैं, ऐसा हो रहा है, और वो धीरे 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 अब आज भी खुल रही हैं चीज़ें, कई चीज़ें आज भी याद आती है, तो संवेदनशीलता को लिखा है न्याय माने संवेदना, इसमें लिखा हुआ है, यही आगे वृत्ति में पढ़ेंगे, तो न्याय संवेदना से ही व्यक्त होगा और कोई दूसरी विधि नहीं है, अनुभव मूलक व्यक्ति संवेदना को स्वीकार करेगा उसको व्यक्त करेगा, जो प्रचलन वाले जो ज्ञानी है उससे बिल्कुल भिन्न है। घटनाएं तो नहीं लिखा कुछ भी उन्होंने, एक तो नहीं घटनाएं उनको उनको टाइम का तो हमेशा प्रॉब्लम रहा, 80 के दशक में बोलते थे, मतलब समय को उस विधि से कई बार नहीं जोड़ पाते थे उनको, मैंने जो देखा, लेकिन वो घटनाओं को लिखे नहीं, एक तो पहली बात, दूसरा जो देखा उसका तो शायद वो 0.1% या 0.001% भी नहीं लिखा, लिख ही नहीं सकते उतना, जो संयम में जो देखा उस पूरे वो तो पूरी फिल्म चल रही है ना और उसमें से लाइन लिखना है, तो पूरा फिल्म को लिखा थोड़ी जा सकता है, पूरा चित्र देख रहे हैं मतलब वो पूरा लिखो फिर
है ना, वो बनाया भी नहीं जा सकता ना, तो 0.001% भी नहीं आया देखने वाले का, आएगा भी नहीं। फिर वहां भाषा नहीं था, भाषा खुद से दिया इन्होंने, पूरा भाषा खुद बनाया ना बाबा जी ने, तो वहां बिना भाषा के देखा उन्होंने, तो जो बिना भाषा के देखा उसको भाषा को बताया कि लोग उस चित्र को देख ले, ये है पूरा। उनको खुद विश्वास है कि लोग पहुंचेंगे उस आधार पे, हमको है मतलब उनको ऐसा लगता है कि जितना जरूरत है हमने दे दिया, बाकी ऐसा भी थोड़ी कि और नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, आवश्यकता के हिसाब से मनुष्य को उपलब्ध है अस्तित्व। हाँ हाँ, आपको आना स्वाभाविक है, मुझे आता है मुझे आता रहा है, तब तो रुके हैं कहीं। अब ये वृत्ति पे के जगह पर आकर इस वृत्ति से बहुत ज्यादा अंतर हो गया, ये वाले वृत्ति से और इस वृत्ति में बहुत अंतर दिखता है। जैसे प्रज्ञा में परिष्कृति पूर्ण संचेतना, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य के प्रति अवधारणा एवं अनुभव मूलक गति एवं स्थिति सत्य में बोध एवं अनुभव मूलक गति है। तो अब ये उधर जो बोध हुआ है, यहां पर प्रज्ञा किस रूप में आया है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रज्ञा जबकि परावर्तन वाली क्रिया है ना, विद्या माने जो जैसा है उसको विधिवत जानने मानने स्वीकार करने की क्रिया, अर्थात अस्तित्व के बहुत सारे चीजों को, नियम को, न्याय को, इसको, ये चीजें वृत्ति में स्वीकार हो गई, ये हुआ है ना। वृत्ति में जो वृत्ति का जो प्रत्यावर्तन वाला भाग है वहां आ गया है, और वहां से जो व्यक्त हो रहा है वहां स्वीकृति आई है। वृत्ति में जो भी चीज है उसको अपन ये कहते हैं कि स्वीकृति बनी, उसी स्वीकृति का अलग अलग स्तर पर अलग अलग नाम है। तो उसमें एक का नाम विद्या है कि हर चीज को सही रूप में उसको पा लिया, अब उसका विश्लेषण होगा, उसका विचार होगा। तो अब यहाँ हम जो सोचते हैं कि एक एक इकाई का, ऐसा कुछ भी अब इकाई जैसा नहीं हो रहा है, ये प्रज्ञा। तो यहाँ पढ़ के कोई चीज भी नहीं पकड़ में आ रहा है। यह क्या आप कि हर चीज को हमने जैसे सोच लिया है वैसा, हम जैसे इकाई के रूप में चीज को देखना चाह रहे हैं उस रूप में यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है। हमारा जो अभ्यास है इकाई के रूप में देखने का, उस रूप में यहाँ आप दिख नहीं रहे। मतलब प्रज्ञा एक इकाई ऐसा नहीं, प्रज्ञा से ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, आदमी कैसे दिखेगा, उस रूप में कोई वर्णन नहीं है। है ना, प्रज्ञा में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे आखिरी पैरा देखिए प्रज्ञा का, प्रज्ञा की सार्थक अभिव्यक्तियां विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान है। प्रज्ञा का लास्ट वृत्ति का जो पहला है ना, तो इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो चित्त में नहीं था, या इसमें तो हर चीज अब वैसे ही लगता है। तो ये वृत्ति के स्तर से या चित्त के स्तर से या अवधारणा के स्तर से बोला जा रहा है, ये नहीं स्पष्ट होता, ये सब एक ही जैसा लगता है।
एक चीज जरूर है, क्रिया की अवधि बराबर काल, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। क्रिया क्या चीज, हर इकाई माने क्रिया। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ क्रिया निरंतर हो रही है, कुछ क्रिया निरंतर नहीं हो रही है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाए, थोड़े समय में हुआ, खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो घूम रहा है ये कंटिन्यूअस है, निरंतर है। दो मोटा मोटी भाग है। तो प्रैक्टिस क्या किए, परिवर्तनशील क्रिया को निरंतर क्रिया से जोड़ दिया। जैसे सूरज उगा, अगले दिन फिर उगा, ये जो एक निरंतर है, एक जो क्रिया है, इससे दूसरे चीजों को तुलना किया। जैसे गेहूं 120 दिन में पक जाएगा, हमने बोला, तो ये किया क्या, निरंतर रहने वाला जो एक क्रिया है उससे गेहूं को जोड़ दिया। मैं 55 साल का हूं, मतलब मेरे शरीर के जन्म होने के बाद धरती ने सूरज के 55 चक्कर काटे, इतना ही मीनिंग है। तो एक क्रिया के बदले दूसरी क्रिया बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम जो भाषा में टाइम बोल रहे हैं वो है क्या चीज, कोई क्रिया ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसके भी छोटे टुकड़े किए, धरती 24 घंटे में घूमता है, उसको हमने 24 टुकड़े कर दिए या 12 टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़े का नाम हम एक घंटा दिए, फिर उसके और टुकड़े किए, तो ये कर रहे। तो जो मूल जो चीज है समय, वो क्रिया को ही लिया गया है। धरती अपने धुरी पर लिया घूमा, उसको एक दिन बोला गया। धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही, उसको एक वर्ष बोला गया। और इसी के फॉर्म में या इसके छोटे फॉर्म में हम बाकी सारी क्रियाओं को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। एक प्रकार का तुलना है ये, केवल ये कर रहे हैं हम समय में और कुछ भी नहीं बोल रहे। एक हफ्ता जिसे हम कहते हैं, उसका तो एक दिन और एक साल का तो एक एस्ट्रोनॉमी में हमें दिखता है, हफ्ते का क्या होता है? उसी का पार्ट उस समय तक लोगों को सात ही ग्रह पता थे। जैसे रविवार माने सूर्य का वार, सोमवार माने चंद्रमा का वार, मंगलवार माने मंगल एक ग्रह है, बुधवार माने बुध एक ग्रह है, गुरुवार माने एक ग्रह है, शुक्र एक है, शनि, इतना ही पता था। मतलब एक नामकरण ही है, ऐसा नहीं कि सात दिन में अस्तित्व में कुछ हो रहा है और फिर वो घूम दोबारा, नामकरण है। ठीक, तो एक तो ये वाला हम देख रहे हैं कि एक क्रिया से दूसरे क्रिया का सेट कर रहे हैं। तो गेहूं का दिया ना, हाँ, अभी गेहूं वाला करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरे ग्रह वाला एलियन आ गया, वो पूछेगा गेहूं, है ना? कोई दूसरे ग्रह वाला धरती वाले से मिलेगा बाहर में, वो पूछेगा भाई गेहूं की क्या स्थिति है? तो ये नहीं बोलेगा कि गेहूं क्या है, वो बोलेगा गेहूं की स्थिति वर्तमान है। ऐसा क्यों बोलेगा? देखो हमारे यहां गेहूं पक गया है, पड़ोस वाले खेत में जाएंगे गेहूं कट गया है, अभी हम दिल्ली में जाएंगे वहां पर गेहूं में अभी बाली आई है, पका नहीं है, और थोड़ा आगे जाएंगे अफगानिस्तान के आसपास बाली भी नहीं आई है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो गेहूं उग रहा है, और अभी जाएंगे अभी गेहूं उगा ही नहीं है। हम दक्षिण वाले जो गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया वाला जिस हेमी इसमें है स्फीयर में, उसमें जाएंगे तो वहाँ गेहूँ पक के काट के सुरक्षित कर दिया है। तो गेहूँ की सारी स्टेज आज इस धरती पर है, पूरी अंकुरित होने वाली, आज भी है, कल भी है, हर समय मिलेगा, ये 12 महीने सारे स्टेजेस मिलेंगे। तो गेहूँ हर समय, यदि आदमी को देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चा मिलेगा, दो दिन का मिलेगा, तीन दिन का मिलेगा, 100 साल का मिलेगा, मरता हुआ मिलेगा, किसी की बॉडी जल रही है वो भी मिलेगा। तो ये जो बड़ा वाला सीन है ये हर समय एक जैसा है। चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं में भी अलग अलग ये वाले हैं, और ये चित्र कभी भी नहीं बदल रहा है।
इस वाले चित्र को देखेंगे तो नाम देंगे वर्तमान। ये हमेशा एक जैसा है, इसीलिए बोल रहे हैं अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो वर्तमान कभी भी बदल नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है, आज 60 साल वाला भी है, 70 साल वाला भी है, 50 वाला भी है, 40 वाला है, 30 वाला है। तो मैं जैसे 50 वाला हूं, कल 60 वाला मैं दिखूंगा, वो भी मेरे बाजू में रखा है, वो भी और 70 वाला भी आज है, 50 वाला भी, तो आज की डेट में सब है। इसी को मेरे में देखेंगे तो एक इकाई में भूत और भविष्य जो दिखना है वो यहीं रखा हुआ है। एक इकाई में जो भी भूत और भविष्य होगा वो आज ही दिखेगा, जैसे गेहूं की सारी स्टेज आज इस धरती पर मौजूद है, एक आदमी की सारी स्टेज इस धरती पर मौजूद है। तो इसी को हम भूत और भविष्य बोल रहे हैं। वर्तमान में ही भूत और भविष्य भी समाया हुआ है, इसी को कह रहे हैं। ठीक है, ये इस पूरे दृश्य को बोल रहे हैं वर्तमान। इसका कहीं आजकल की पढ़ाई में कोई नामो निशान नहीं। आजकल के में क्या है, एक निरंतर क्रिया से बदलने वाली क्रिया को बदल जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बड़े यूनिट बना लिए, 100 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर एक बना दिया, उसका एक लंबाई चौड़ाई नाप लिया, उससे अब चीजों को बोल रहे हैं। तो है वो गणना ही है, भूत और भविष्य के साथ जोड़ के बोल रहे हैं और इसको नहीं बोल रहे। वर्तमान को बताने की कोई विधि नहीं। वर्तमान को मध्यस्थ दर्शन बताया कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति हर समय है, कभी भी देखो ऐसे ही दिखेगा, उसमें चार अवस्थाएं ऐसे ही दिखेगी, एक एक अवस्थाओं में कई पद ऐसे ही दिखेंगे, और ये बड़ा सीन कभी भी नहीं बदलेगा। इसको बैठा लेते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अस्तित्व ऐसा ही है, यहां से बाहर निकलोगे तो भी वही है। पूरा नियति क्रम दे दिया, सूर्य जैसी चीजें हैं जिसको ह्रास परम बोल रहे हैं, वहां से लेकर विकसित धरती जिसमें दिव्य मानव परंपरा है वहां तक अस्तित्व में सब है। कई दिव्य मानव धरती है, कई देव मानव वाली धरती है, कई मानव परंपरा वाली धरती है, कई इतनी ऐसी धरती है, कई इससे नीचे वाली भी धरतियां, ऐसे अनेकों अनेक धरतियां हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अस्तित्व में वेशभूषाएं हैं और क्रिया का तात्पर्य है अंशों का एक वेशभूषा से दूसरी वेशभूषा में जाना। इसमें ये भी है ना कि मतलब अस्तित्व में जो भी अवस्थाएं हैं वो हमेशा नित्य वर्तमान तो है लेकिन परिवर्तित भी है। हाँ, नित्य वर्तमान देखिए, इस धरती में कुछ नहीं होंगे, मान लो जैसे डायनासोर टाइप के चीजें अब नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं होंगे, तो पूरे अस्तित्व के फैलाव में जाएंगे तो सभी है, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं जा रहा है। हाँ, यही पर यदि हम देखेंगे तो 50,000 या 5,00,000 साल पहले आदमी नहीं था, अब क्या करोगे, फिर आया, उसके 2-5,00,000-10,00,000 साल पहले शायद जीवावस्था भी नहीं थी, लेकिन कहीं तो है ही अस्तित्व में। तो अस्तित्व में हमेशा हमेशा हर चीज बनी हुई है, पूरे बड़े चित्र में पूरा फुल है। अब उसके किसी एक छोटे पार्ट में देख रहे हैं तो यहां अभी जीव अवस्था नहीं है इस कमरे में, लेकिन इसी संस्थान में फैलेंगे तो गाय भी है लेकिन शेर नहीं है। लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन तो हुए, मात्रात्मक परिवर्तन होते हुए भी ये इतने ही सारे वैरायटी है। लेकिन जैसे हमने बताया कि जाना कि विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, इसमें गठनपूर्ण परमाणु को हमने देखा और गठनपूर्ण परमाणु गठनशील परमाणु से बना है, तो गठनपूर्ण परमाणु तो बढ़ रहे हैं ना। अस्तित्व इतना ज्यादा है कि उसमें बढ़ना वाला बनता ही नहीं है न घटना। देखिए आप इस डायरेक्शन में जाइए एक ग्रह मिलेगा, थोड़ा आगे जाइए दूसरा मिलेगा, फिर आगे जाइए तीसरा मिलेगा, बढ़ते जाइए मिलता ही जाएगा। इधर बढ़िए, इधर बढ़िए, इधर बढ़िए, इधर बढ़िए, उधर बढ़िए, जिधर जाए बढ़ते ही जाए, वो तो खत्म ही नहीं होगा ना, हमेशा ग्रह मिलते ही जाएंगे। और एक ग्रह में कितने परमाणु, अस्तित्व में कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि गठन पूर्ण हो चुका है जो परमाणु, वो तो संक्रमण बताया गया उसको, वो दोबारा से वो जड़ नहीं, कभी भी नहीं होगा, वो जड़ नहीं, वो जड़ तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अस्तित्व चाहे जितना भी असीम रूप में फैलता रहे
लेकिन कोई गठनशील परमाणु गठनपूर्ण बन रहा है, लेकिन गठनपूर्ण परमाणु जो है मात्रा के रूप में तो बढ़ रहे हैं ना, चाहे अस्तित्व में ही बढ़ रहे हैं, मात्रा के रूप में बढ़ रहे हैं, और एक दिन पूरे जड़ परमाणु चैतन्य होके खत्म हो जाएंगे। ये जो लॉजिक है इसको आगे बढ़ाने से हम कहाँ पहुंचते हैं, एक दिन कोई जड़ परमाणु नहीं बचेगा, केवल चैतन्य बचेगा, है ना? ये लॉजिक वहां जाता है, यही है ना? ये बात लॉजिक से नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमने अनंत को एक छोटा चीज मान के ये लॉजिक बनाए, अनंत को न स्वीकार करके हमने लॉजिक बनाया है। इसको कैसे कहेंगे आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, इधर बढ़ते जाइए, वो तो इतना है कि वो खत्म ही नहीं है। तो अनंत जो है वो चित्रण में नहीं आता है, उसको हम चित्रण में ला के लॉजिक बना रहे हैं, यहां ये प्रॉब्लम है। अनंत पकड़ में नहीं आएगा, अनंत पकड़ में आते ही ये लॉजिक खत्म हो जाएगा, है ना? तो अनंत के लिए एक छोटा सा चीज बताया, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, जाते रहिए, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, जाते ही रहिए, रोज मिलेगा, रोज मिलेगा, हर क्षण मिल जाएगा। अब क्या होगा, हम किसी जगह बाउंड्री बना ले रहे कि इधर रुक गया है, अब सब खत्म हो जाएंगे। ये बाउंड्री बनाना ही प्रॉब्लम है, यहां से हमारा चित्रण ने बाकी चीजों को दबा दिया, हमने अनंत को डिफाइन कर दिया, अब कोई चीज नहीं होगी, अब हम उसको सिस्टम के अंदर लाना चाह रहे हैं। इस लॉजिक का भैया तोड़ ये है कि अगर हम कहते हैं कि सारे गठनशील परमाणु गठनपूर्ण हो जाएंगे तो उसमें समय कितना लगेगा, अगर हम ये सोचते हैं कि समय कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला होगा उसमें डिवाइड बाय इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अनंत पृथ्वी है तो डिवाइड बाय इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, उसका कोई उत्तर नहीं, तो वो लॉजिक यहाँ से कट जाएगा ना। हम लाइट की स्पीड से बढ़ेंगे तो लाइट की स्पीड से चीजें चारों तरफ हैं, वो तो हर समय दुगना हो रहा है या कई गुना होगा ना। जैसे यहां से मैं एक एक सेंटीमीटर जाऊं तो जितना स्पेस लूंगा अगले में उससे 10 गुना 100 गुना लूंगा, उससे अगले में उससे 100 गुना लूंगा, वो और बढ़ता जा रहा है, वो और बड़ा ही होता जा रहा है। तो अनंत है, फिर अनंत को हमने एक्चुअली ये लॉजिक कहां से बनता है, हमको अनंत पता नहीं चला, यहां से हम लॉजिक को ड्रॉ करते हैं। अनंत को हमने निश्चित मान लिया है, अनंत तक पहुंच नहीं पा रहे, है ना? ये है इस लॉजिक में जो प्रॉब्लम है भैया। इस धरती में जैसे प्रॉपर रेशियो दिखते हैं कि पानी कितना होना है, पहाड़ कितने होना है, जंगल कितने होने हैं, प्राण अवस्था कितने होने हैं, मानव कितने होने हैं, तो ऐसा भी अस्तित्व में कितने जीवन परमाणु होने हैं, इसका भी कोई रेशियो होता है? पता है ना, आदमी की आवश्यकता से ज्यादा है, इतना आवश्यकता ही नहीं बनता है। तो अस्तित्व कितना है, हमारी आवश्यकता से अधिक, बस यहाँ ये यह उत्तर है, आखिरी लाइन यही है। एक पृथ्वी विशेष में तो शायद एक बैलेंस हो, एक पृथ्वी विशेष में हो, और जो जीवन की संख्या है वो निश्चित है कहाँ? हाँ निश्चित है, वो है अनंत संख्या। अनंत संख्या में है जीवन, कितने हैं? अनंत हैं, इन्फिनिटी। तो यही उसका उत्तर है, जहां फिर अब कुछ नहीं आप सोच सकते। लेकिन अभी जैसे जो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उसमें बोलते हैं कि स्टार्स हैं तो बन रहे हैं, उसमें एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वो सुपरनोवा हो गया या फिर फटा तो उससे हाइड्रोजन बन जाता है, हीलियम बन जाता है, तो ये साइंटिस्ट इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये इन स्टार्स के उत्पत्ति से बनते हैं, लेकिन दर्शन में तो ये लिखा हो गया है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी अनादि का अनंत अनंत समय से हैं और ये रहेंगे ही, और काल में मतलब गणना नहीं है इसकी, तो कहाँ तक इसको हम देख सकते हैं? जो बोलता है उसको नोबेल प्राइज मिलता है, उसके बाद उसको कोई एक आदमी काट देता है उसको भी नोबेल प्राइज मिलता है, ये चल रहा है।
उनका ऐसा ही हो सकता है कि उनका बनना बिगड़ना भी एक अस्तित्व सहज है, कोई व्यवस्था के रूप में वो बन रहा है। इनकी थ्योरी चली नहीं पाई ना, कौन सी थ्योरी 100 साल चल गई आप बताइए ना। हर थ्योरी को 100 साल में उन्होंने उठा के चूर चूर कर दिया।